वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी ने 6100 करोड़ की परियोजनाओं का सौंपा तोहफा। शंकरा नेत्रालय और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, कहा 10 साल पहले तक होते थे करोड़ों के घोटाले। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को टिकट, कामठी से प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले पर दाव, घाटकोपर पश्चिम से राम कदम। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी विधायकों की बैठक, शरद पवार से मिले आदित्य ठाकरे, अनिल परब सोमवार को एमवीए कर सकता है सीटों का ऐलान। दिल्ली धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एनएसजी एनआईए एनडीआरएफ समेत कई टीमें जांच में जुटी, मौके से मिला सफेद पाउडर, हाई अलर्ट पर पुलिस। घटना में दिन दहाड़े हत्या से अड़कंप, रेलवे स्टेशन के पास होटल कारोबारी को गोली मारी, अपराधी फरार।